और इधर बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। गांव वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, जिससे कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घटना पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिसहनी गांव की है, जहां गश्ती कर रहे थे। पुलिस वालों ने बाहर निकले युवकों को घर जाने को कहा, जिससे ग्रामीण भड़क उठे और पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कैसे पुलिसकर्मी, जो कि अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की रक्षा कर रहे हैं, कोरोना वायरस से जंग में अहम किरदार निभा रहे हैं, लेकिन जब यही कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स जब लोगों को समझाने बुझाने के लिए पहुंचते हैं, तो ग्रामीण इलाके में ये देखिए आप मोतिहारी में महिलाएँ खासतौर पर आगे आकर इन पुलिसकर्मियों को वहाँ पर मारते हुए खदेड़ती हुई नजर आ रही हैं। बच्चे भी इस दौरान यहाँ पर देखने को मिले। पूरा जिस तरह से मामला सामने आया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस गई थी, समझा रही थी इन गांव वालों को, ग्रामीणों को, कि आखिर उचित दूरी आप नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए घातक और जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन ये बात नागवार गुजरी। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी लेंगे। जी फिलहाल क्या स्थिति है, पुलिसकर्मी को एक ज्यादा घायल तो नहीं हुए और गिरफ्तारी हुई कुछ? जी हम बता दें कि लगभग 2 दर्जन लोगों की वहाँ गिरफ्तारी हुई है, और जिसमें और लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस टीम वहाँ छापेमारी कर रही है। जी जरा बताइए विस्तार से कैसे हुआ रंजीत ये सब? जी पकड़ी दयाल के सिसहनी गांव में कुछ लोग बाजार में मोटरसाइकिल से निकले हुए थे, जो हेलमेट नहीं पहने थे, मास्क नहीं पहने थे, उसी को लेकर पुलिस वहाँ उनको समझा रही थी। उन लोगों ने नहीं समझा और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमला लाठी और पत्थर से लोग पुलिस टीम पर हमला कर दी, जो पुलिस भागकर किसी तरह अपनी जान बचाए। जब इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दिया गया तो वहां एसपी पहुंचे और लगभग 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तारी किया, और बाकी लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी चल रही है। जी